पब्लिक टीवी आपकी आवाज। निकाय चुनाव को लेकर सभी प्रत्याशियों ने अपनी ताल ठोकनी शुरू कर दी है। हर कोई विकास के दावों के साथ चुनाव प्रचार में लगा है। सोमवार को बसपा के प्रत्याशी मोहम्मद यामीन मलिक वार्ड एक खुशहालपुर में जनसंपर्क करने पहुंचे। यहां उन्होंने जनता के बीच जाकर अपने विकास के मुद्दों को रखा और सभी वादों को पूरा करने का आश्वासन दिया। चुनाव प्रचार के दौरान वार्ड की सड़कें बसपा के प्रत्याशी के समर्थकों से खचाखच भरी रही। बसपा के प्रत्याशी यामीन मलिक ने कहा कि क्षेत्र में कहीं भी विकास नहीं हुआ। जगह जगह संकरी गलियां हैं जहां कूड़े के ढेर लगे रहते हैं और सड़कें आज भी जर्जर स्थिति में है, जिस पर वाहन गुजरना भी मुश्किल हो जाता है। इस वजह से कई बार लोगों के साथ हादसे भी हो चुके हैं। उन्होंने कहा कि अगर जनता ने मुझे पूरा भरोसा जताया और मुझ पर विश्वास किया तो मैं उनकी सभी वादों को पूरा करूंगा और जगह जगह शहर के विकास में अपना योगदान दूंगा। अब इस समय वार्ड नंबर एक में और यहाँ का पूरा जनसमूह हमारे साथ है, पूरा समर्थन यहाँ का है। अभी तक लगातार सब क्षेत्रों में पहुँच रहे हैं, कैसा रुझान देखा जा रहा है? बहुत बढ़िया रुझान है और हम अभी सुबह कलूने पे थे, उसके बाद उधर इंदिरा चौक में थे, तो हमें अच्छा समर्थन। क्या कहना चाहते हैं अपने सभी मुरादाबाद के नागरिकों से? मैं महानगर की जनता से अपील करूँगा कि बहुत देख लिया हमने समाजवादी और भारतीय जनता पार्टी के मेयर को, आज हम जमीन से जुड़े हुए हैं और एक बार हमें मौका दें और इंशाल्लाह अगर हमें मौका मिलेगा तो हम उन क्षेत्रों का विकास करेंगे जो 19 गांव इसमें शामिल हुए, जिनको विकास से वंचित रखा गया। करूने जैसा क्षेत्र जहां बारिश के मौसम में जलमग्न हो जाता है, मस्जिदों में पानी घुस जाता है, लोगों के घरों में पानी घुस जाता है, उसकी तैयारी हम अपनी उसे प्लानिंग की है। और दूसरे जो घनी आबादी है, जहाँ पतली गली है, जहाँ कूड़े का इंतजाम नहीं है, ठेला तक नहीं जाता, वहाँ हम स्पेशल सफाई करना। पब्लिक टीवी आपकी आवाज़।